लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी होने का सिलसिला जारी हो चुका है। कांग्रेस, सपा और अब तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा का भी आने वाला है। लेकिन घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींच दी है और इस लकीर में कांग्रेस भी फंसते हुए दिख रही है। दरअसल आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनता दल का जारी किया और इसका नाम दिया गया है परिवर्तन पत्र। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में 24 जन वचनों के साथ हम अपने एजेंडे और अपने प्रण के साथ आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दिया कि हम जो वचन जनता को दिलाएंगे, बिहार के साथ देश के लोगों के सामने जो रखेंगे, वो हमारा प्रण होगा और उसे पूरा करने के लिए हम हर वो काम, हर वो कोशिश कर डालेंगे जिसकी संभावनाएं लोगों को असंभव सी दिखती है। दरअसल तेजस्वी यादव का जो परिवर्तन पत्र है उसमें जो बिंदु है उसमें रखा गया है नौकरी मिले, रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, किसान बढ़े, पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त। तो ये तेजस्वी यादव का एजेंडा है। दरअसल इसकी चर्चा इसलिए भी खास हो गई है कि कांग्रेस ने बेरोजगारी हटाने के लिए 30 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बातें कही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 30 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का प्रण लिया है। केंद्र में जबकि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो फिर ये तेजस्वी कैसे लागू कर पाएंगे? इसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट जो है वो घोषणा पत्र कांग्रेस ला चुकी है, लेकिन हम लोग वो काम करेंगे जो इसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तेजस्वी यादव ने बिहार का उदाहरण दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 2020 के चुनाव में हमने नौकरी के मुद्दे उठाए थे तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और एनडीए के नेता थे वो क्या कुछ कहते थे, कहाँ संभव है, लेकिन हमने बिहार में डिप्टी सीएम रहते हुए किया। अगर बिहार झारखंड मिला के 25 सांसद राष्ट्रीय जनता दल के जीतते हैं तो केंद्र में बनने वाली सरकार में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और हम उसे लागू करने के लिए सरकार पर ठीक उसी प्रकार दबाव डालेंगे और व्यवस्था बनाएंगे कि जो हमने प्रण इस परिवर्तन पत्र में दिया है उसे पूरा किसी भी सूरत में करेंगे। राजीव जी हमारे सहयोगी हैं, समझते हैं कि आखिर कांग्रेस को दरकिनार करके तेजस्वी यादव ने राजीव जी जो बड़ा एक रूपरेखा खींची है ये कितना असरदार होगा। ये परिवर्तन पत्र जो राजद का आज जारी हुआ है, निसंदेह इस पूरे 24 जो उन्होंने 24 वादे किए हैं बिहार की जनता के लिए, ये 24 के 24 वादे जन सरोकार से संबंधित हैं और इसमें इसको ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जो नीतीश कुमार ने 2014 के चुनाव के समय इसको हथियार बनाया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिल्कुल ये हथियार जो था तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से तकरीबन छीन लिया है और उसके साथ ही उन्होंने इसमें चर्चा की है बिहार को विशेष पैकेज की भी, और वो जो विशेष पैकेज होगा वो विशेष पैकेज बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से सबको 4000 करोड़ का। देखिए राजीव जी, इसमें जो मेन बातें हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो विस्तार से भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख जो बातें थी, बिहार में 5 नए एयरपोर्ट दिए जाएंगे, किसानों के मुद्दे पर जहां देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में MSP की बातें हैं लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में उससे भी ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने की बातें कही जा रही है, और सबसे ज्यादा महंगाई पर चोट, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नौकरी के मुद्दे पर और इस घोषणा पत्र में राष्ट्रीय जनता दल का जो घोषणा पत्र है या जिसे तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र दिया है, ऐसे इसमें बातें और वादे लिखे गए हैं कि इसका विरोध ना नीतीश कर पाएंगे और ना ही सहयोगी कांग्रेस और BJP भी इसमें लिखी हुई बातों का विरोध नहीं कर पाएगी। तो तेजस्वी यादव ने अपने एक ऐसे मैदान खड़ा कर दिया कि क्या लगता है कि अब देश भर में इस घोषणा पत्र की चर्चा होगी, इस परिवर्तन पत्र की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री अब जिस तरीके से मटन और चिकन की बात जाकर श्रीनगर में करते हैं तो क्या बिहार के इस परिवर्तन पत्र की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की 4 साल की योजना भी खत्म करने की बात करते तेजस्वी 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए अभी तक का जो चुनाव कैंपेन चल रहा है बिहार में उसमें बिहार के जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिहार जिन समस्याओं से पिछले
कई दशक से जूझ रहा है, उन मुद्दों को तेजस्वी ने इसमें शामिल किया है अपने घोषणा पत्र में। इसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए साल में 1,00,000 रुपए तक का उनको राशि उनको देने की बात कही गई है। सहायता राशि हर बहनों को, हर बहनों को। दो तारीख, इसमें एक बात तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दो तारीख आप याद कर लीजिए, 15 अगस्त अगर सरकार बनने के ठीक 2 महीने बाद, 15 अगस्त अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है देश के अंदर, तो 15 अगस्त से आजादी की बात होगी, सच में आजादी बेरोजगारी से, महंगाई से। दूसरा तारीख उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से वो तारीख तय होगी जिसमें देश के गरीब बहनों को 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा इस परिवर्तन पत्र में बिहार में बिजली की जो कीमत है वो एक बड़ी समस्या है। उन्होंने 200 बिजली यूनिट फ्री प्रति यूनिट प्रति इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली फ्री देने का वादा किया है। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में लालू जी की भी थोड़ी सी झलक आ रही है। उन्होंने मंडल कमीशन की कमीशन की जो बाकी जो अनुशंसाएं हैं उनको फिर से लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा युवाओं को के लिए एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाने की बात कही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस देश को पिछले चुनावों में और अभी भी बोलते हैं कि यह देश युवाओं का है, तो युवाओं के लिए भी है। तो इस पूरे चुनावी घोषणा पत्र में जिसको उन्होंने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है, उसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की गई हैं। सबसे बड़ी घोषणा तो ये है कि अभी तक जो 30,00,000 पद राहुल गांधी खाली हैं विभिन्न सरकारी महकमों में, उसको लेकर के बात कर रहे थे तेजस्वी, उससे भी काफी आगे बढ़ गए। और वो बोले कि जो आबादी के अनुसार जो हमारे यहाँ जो पद नए पद सृजित किए जाएंगे, करीब 70,00,000 नए पद सृजित करने की बात कही गई है। तो देखने में घोषणा पत्र जो है वो इस चुनाव को, पूरे चुनाव अभियान को वो अपने एजेंडे पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार में अब तक तो चुनाव को लेकर जितनी घोषणाएं की जा रही हैं वो यहाँ धरातल पर तो दिख नहीं रही थी, लेकिन इस घोषणा पत्र से अब कुछ मुद्दों पर बात होगी और आने वाले चुनावी सभाओं में दिखेगा कि एनडीए के बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जैसे हस्तियां शामिल हैं, वो इसका कैसे मुकाबला करते हैं। अब तक जो भी चुनावी जनसभा हुई है उसमें मुद्दे पर बात नहीं हुई है, लेकिन अब तेजस्वी यादव जिस तरीके से 24 बिंदुओं की चर्चा लेकर आए, तेजस्वी यादव तो हर चुनावी जनसभा में इसी बात की चर्चा करेंगे कि हम 24 मुद्दे लेकर आए, बात करिए। अब मजबूरन में जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के मुद्दे पर आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी है उनको इस मुद्दे पर आना, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, बिहार में या देश के अंदर बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती है, जेडीयू भी इनकार नहीं कर सकती है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में इनकी चर्चा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो बिहार में हैं उनको अपने जो है सीधे तौर पे कहिए कि मैदान पर अपने पीच पर लाने की कोशिश, अपने मैदान में और पीच बनाकर दे दिया कि अब आपको इसी ग्राउंड में खेलना होगा। जैसे तेजस्वी यादव को लग रहा था कि 2020 के चुनाव में अगर हम नौकरी और रोजगार की बात करेंगे तो सभी लोग उसी की बात करेंगे, और अब तेजस्वी यादव जब बात मछली और संतरा पर थी, खाने पीने की मटन बनाने पर थी और देश भर में उसकी चर्चा होने लगी थी, तो तेजस्वी यादव ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि देश में जरूरत इन 24 बिंदुओं की है, लेकिन प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अभी केंद्र की सत्ता में है वो इन बिंदुओं को छोड़कर ये मटन और मछली में मटन से लेकर सनातन तक की चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन जो जरूरत है लोगों की उसकी चर्चा नहीं हो रही। तो क्या लगता है कि इस परिवर्तन पत्र पे जब प्रधानमंत्री भी 2 दिन में आने वाले हैं या प्रधानमंत्री की आज भी चुनावी जनसभा है देश के कई राज्यों में कई जगहों पर, तब वहां ये मुद्दा बनेगा? देखिए, ये मुद्दा तो जब कोई भी चुनाव में हर चुनाव के इसमें एक चुनाव का कुछ मुद्दा होता है, लोगों की जन समस्याएं उसमें होती हैं जिसको दूर करने के लिए सरकार लोगों से वादा करती है। लेकिन अब तक जितनी भी चुनावी सभाएं हुई हैं, खास करके प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार लोगों को इतिहास बता रहे हैं, आज से 20 साल पहले बिहार का क्या हाल था, लोग घर से नहीं निकलते थे, अब वो 20 साल पुरानी बात है और आज की नई पीढ़ी को इन बातों में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। आज की नई पीढ़ी को वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको नौकरी चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, पैकेज 4 साल की नौकरी नहीं,
परमानेंट नौकरी इसमें नौकरी चाहिए। और इसमें इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ी बात तेजस्वी ने कहा है, जो राहुल गांधी भी अपनी चुनावी सभाओं में कहते हैं, बिहार से के युवाओं का की सबसे पहली पसंद होती है सेना में नौकरी करना। आप सुबह चले जाएं किसी भी गांव में, किसी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर जगह वो अग्निवीर को लेकर के जब से ये योजना आई है बिहार के युवाओं में भी भारी रोष है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इस योजनाओं को बंद करेंगे और जो पुराने तर्ज पर सेना में नियुक्ति होती थी अब उस तरह से नियुक्ति होगी। और इसमें एक बात और है गणेश, जो अभी चुनाव में बिहार में उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, तेजस्वी यादव या राजद की जो घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम वो योजना है जो रिटायर्ड खासकर सरकारी सेवकों के लिए, वो उनके बाकी के रिटायरमेंट के बाद के जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है उनका और उनके परिवार के लिए भी। तो इस तरह की चर्चा अब तक बिहार में शुरू नहीं हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, यहाँ कोई उस तरह का आंदोलन भी अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन यह भी एक लोक लुभावन मुद्दा है और इससे भी लोग आकर्षित होंगे, खासकर सरकारी कर्मचारी। और जो अब जो 2005 के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू की गई है उसको लेकर के भी लोगों में काफी शंकाएं थी। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर उनकी सरकार आती है महागठबंधन की, जिसको इंडिया गठबंधन के नाम से देश भर में जाना जा रहा है, अगर उसकी सरकार आती है तो वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जब लोगों के मन में संदेह है कि हम कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार, तो उन्होंने कहा कि 2004 में राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हमने जो चाहा सो करवाया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2024 में राष्ट्रीय जनता दल को अगर 25 सीटें बिहार झारखंड की मिलाकर अगर मिलती है और उसमें जीत हासिल होती है, तो तेजस्वी यादव जो 24 जन वचन की बात कर रहे हैं उससे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित अब तो करना चाहिए। और तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य भी इन घोषणा पत्रों की, अगर सरकार बनती है और इस घोषणा पत्र के अनुसार सरकार लोगों से अपना वादा निभाती है, तो ये तेजस्वी के लिए भी एक बड़ा मिल का पत्थर साबित होगा। उनका राजनीतिक भविष्य भी इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि महंगाई का मुद्दा इसमें रखा गया है, मुफ्त बिजली की बातें रखी गई है, और केवल बिहार में बिजली तो साथ ही साथ देश के अंदर भी बिजली दिया जाएगा, और दूसरे जो शिक्षा के मुद्दे पर बात की गई है, स्वास्थ्य के लिए जो अलग से कानून लाने की बात कही गई है, और सबसे जो विशेष है कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा, जिसकी अब चर्चा शुरू में कर रहे थे कि अब नीतीश कुमार विशेष को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर अगर तेजस्वी इस मांग को उठाते हैं तो क्या विरोध कर पाएंगे? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज को लेकर के जदयू और भाजपा दोनों की अपने क्या जो सोच विचार है वो बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, जो नीतीश कुमार इसकी सबसे बड़ी वकालत करते थे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा कर देने का, और आज भी उनके दो महीने पहले तक कर रहे थे, जब वो इंडिया में महागठबंधन में थे तब वो कर रहे थे, दो महीना से नहीं कर रहे, दो महीना से फिर वो बिहार का विशेष राज्य का, मुझे नहीं लगता है कि जदयू के एजेंडे में या फिर उनके भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में इसकी कोई चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री कई सभाओं में स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के जगह हम विशेष पैकेज की बात करते हैं, और पिछले चुनाव में उन्होंने 101,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान भी किया था। तो अब जो पीच तैयार हो रही है बिहार में कि चुनावी बिसात को बिछाने के लिए, उस पीच पर ये परिवर्तन का कल भाजपा की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी होने की बात सामने आ रही है। तो अब देखना है कि भाजपा क्या इन मुद्दों पर की भी चर्चा अपने घोषणा पत्र में करती है, या फिर उनका घोषणा पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का होता है कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है या भारत की विदेश नीति को लेकर बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता को, देश की जनता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान क्या बन रही है उससे मतलब तो है, लेकिन अपनी बेसिक और बुनियादी जरूरतों को लेकर इनकार नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने एक मैदान क्रिएट कर दिया है परिवर्तन पत्र के नाम पर, और इस मैदान में अब पीच पर बैटिंग करने, फील्डिंग करने आपको आना होगा, ये तय हो गया है। तेजस्वी ने जो फील्ड तैयार किया है, जो मैदान तैयार किया है, अब उस मैदान पर पूरे एनडीए को लाना, वो कैसे लाते हैं, इन मुद्दों पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव अपनी सभी चुनावी सभाओं में मुद्दों की बात कर रहे हैं, हालांकि वो तंज भी कसते हैं
मछली और नारंगी की बात भी करते हैं, अपने चाचा की भी बात करते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इन मुद्दों पर वो इस बिहार में 40 सीटों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इन मुद्दों पर वो कैसे लाते हैं भाजपा और एनडीए को, यह दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही पिच पर बैटिंग करने के लिए मौका दिया है। पटना और बिहार के जमुई और अलग जगहों पर तेजस्वी यादव ने मछली क्या खाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में याद आई, और अब तो परिवर्तन पत्र की माध्यम है, कहानी है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसी फील्डिंग सजाई है जिस पर नीतीश और भाजपा को पूरी तरीके से वापस लौटना होगा। अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर तेजस्वी जिस मुद्दे की बात कर रहे थे उसी मुद्दे पर देश के चुनाव में अब बात होगी। देखना है कि बीजेपी इस परिवर्तन पत्र के जवाब में क्या कुछ लेकर आती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।